नमस्कार, फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पेटीएम के ऊपर। आप देखिए देखिए नाम सुन के आप ये मत समझिए कि ये पूरी डूब गई है कंपनी। लेकिन हाँ, इनका कुछ फ्यूचर में प्लान है। अभी कुछ बैंक वगैरह खोलने वाले हैं और सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो क्या हमें ऐसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हमें ये लगभग 2150 रुपये का इसका आईपीओ था, ठीक है ना? और वहाँ से ये गिर के लगभग 521-22 रुपये पे आ गया है। तो क्या हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? लगभग ये आपको 70 से 75% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो हाँ, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन वही लोग यहाँ पे रिस्क लें जिनके पास रिस्क कैपेसिटी सहने की क्षमता हो, जिनको एक गेम खेलना हो, वही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनके लिए मैं ये पेटीएम रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप इसको बाइंग ना करें, ठीक है ना? ये पहली बात हो गई। अब आई दूसरी बात कि अगर हमें पेटीएम में इन्वेस्ट करना हो तो हम क्यों करें, ठीक है? हम अगर इसका एक वीकली चार्ट लगाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकली चार्ट कि यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, इसका आईपीओ माइनस में खुला था और वहाँ से लगातार, देखिए थोड़ी सी कंपनी एक सेकेंड वीक में यहाँ से तेजी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद ये कंटिन्यू ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो इतना गिर गया है तो हमें माल उठाना चाहिए क्या? वो भी एक बनता है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए, तो आप यहाँ पे एक गेम खेल सकते हैं, ठीक है ना? या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे एक थोड़ा बहुत आप अपना लक आजमा सकते हैं। अन्यथा स्विंग ट्रेडिंग जो बड़े इन्वेस्टर हैं, केवल वही यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जो छोटे निवेशक हैं, उनके लिए मैं ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। आप अगर चाहते हैं तो आप वीडियो इस स्टॉक को बंद कर सक मतलब ये वीडियो आप बंद करके आप कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना? जो बड़े इन्वेस्टर हैं, केवल उन्हीं के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक गेम के लिए आप, मतलब अगर आपके पास 10-20-50 लाख का पोर्टफोलियो है तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अन्यथा आप यहाँ पे इन्वेस्ट न करिएगा। देखिए, पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये कंपनी इतना गिरने के बावजूद भी अभी ये मिड कैप में है। पहले ये लार्ज कैप थी और इतना गिरने के बावजूद ये भी अभी मिड कैप में है और ऑनलाइन सर्विसेज में काम करती है। अभी भी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 1 लाख से ऊपर का था, और अभी ये देखिए लगभग 34,004 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स लगभग 10.6 लाख शेयर होल्डर्स हैं। 52 बिग लो की अगर हम बात करें तो लगभग 521 रुपये का 52 बिग लो है जो कि इसने आज ही बनाया है। और 52 बिग हाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1955 रुपये। लेकिन जो आईपीओ का इशू प्राइस था वो लगभग 2150 रुपये के आसपास था, जो कि सबसे बड़ा आईपीओ था। और ये केवल मात्र केवल एक महीने में ये लगभग 36% की गिरावट में है ये स्टॉक। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त भारी वॉल्यूम तो नहीं उठ रहा है जबकि पहले उठ रहा था, और अभी भी लगभग लगभग 4,25,000 के आसपास वॉल्यूम उठ रहा है। तो आपको एक थोड़ा बहुत एक नज़र आपकी बनी रहनी चाहिए इस स्टॉक पे, ताकि अगर आपको इस स्टॉक में एक ट्रेडर या और कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे बाइंग करने की सोचें तो उस पे आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, ताकि जब वो बाइंग करे तो आप भी इस स्टॉक में, एक नहीं होता है बहती गंगा में हाथ साफ कर लेना,
तो आप वहाँ पे बहती गंगा में आप हाथ साफ कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% है, ये 100% है कि इस स्टॉक को कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर ज़रूर उठाएगा माल, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप बहती गंगा में ज़रूर हाथ धुलिएगा, ठीक है ना। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए पेटीएम के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आपके नज़र में रहे, वॉच लिस्ट में रहे, तो आप इससे एक अच्छा पैसा बना सकें। अच्छा पैसा मतलब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो उतना अच्छा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो एक मतलब आपके इन्वेस्ट करने का समय के हिसाब से है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा लंबे समय 10-20 साल के लिए अगर या 5 साल के लिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली है कि आपका 99% आपका पैसा यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। मैं देखिए 91% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी कंपनियों का बोलबाला अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर इसने बोला है कि अगर हम फ्यूचर में एक बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, और सारी चीज़ें, ये कुछ और भी नई चीज़ें ये ऐड करना चाहते हैं, अगर वो ये सब किए तो 99% है कि आपको सक्सेस की राह ज़रूर मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड।